दो विधायक हैं, एक तो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी हैं और दूसरे जोगीराम शाह जी हैं। दोनों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगे हैं और उनकी स्टेज शेयर करी है। सुरजाखेड़ा ने नरवाना में करी और रणजीत सिंह की स्टेज जो है ना हिसार के अंदर जोगीराम ने करी और उनके लिए वोटों की अपील भी करी है। तो इसलिए एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ क्यों, हमारे खुद के कैंडिडेट जेजेपी के खड़े हुए हैं तो वोटों की अपील तो उनके लिए करनी चाहिए। तो इसलिए उनको हमने लीगल नोटिस दिए, दो बार दिए, किसी को तीन बार दिए, उसके बाद उनका कोई जवाब हमारे पास आया नहीं। इसलिए हमने 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका 2A 2-1A के तहत हमने स्पीकर जो बीइंग ए ट्रिब्यूनल के नाते इसका फैसला करें, तो उनको हमने एप्लीकेशन इनकी सदस्यता ख़त्म करने के लिए डाली। स्पीकर साहब उनको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद वो रिप्लाई देंगे या आगे की जो प्रोसेस है जैसा अपील में या ट्रिब्यूनल के हिसाब से, वो प्रोसेस के हिसाब से कार्रवाई चलती रहेगी। हमारे पास आपके इंटरव्यू भी हैं, उनके सोशल मीडिया के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं, और उसके बाद अखबार के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी वो भी हैं, और उन्होंने जो स्टेज शेयर करी है उस स्टेज शेयर के अंदर जो वो खुद अपील कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। वो अनेक्सर के रूप में हमने सारी की सारी प्रूफ के रूप में उनको लगाई है।